बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले है डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम ए क्रॉस बी इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, रिलेशन भी वहाँ पे हमने डिफाइन किया था। वही डेफिनेशन अगेन रिलेशन की, कि ए क्रॉस बी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट्स की, उसका जो सबसेट है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड आर रिलेशन। ओके, एज एन एग्जाम्पल, लेट ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड बी इज अ सेट ऑफ कोर्सेस। एक ए सेट है जिसमें स्टूडेंट्स हैं और एक बी सेट है जिसमें कोर्सेज हैं जो कि आपने पढ़ने हैं। लेट हमने इन दोनों सेट्स के दरमियान एक रिलेशन डिफाइन किया है। आर सेट में वो वाले स्टूडेंट्स ए हैं जो कि एनरोल्ड हैं इन कोर्स बी। एज एन एग्जांपल आप अपनी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जो है वो कोई कोर्स पढ़ रहे हैं। एज एन एग्जांपल आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आपका नाम एक ही जगह पर आएगा। लेट सपोज यू आर अली एंड यू आर स्टडीइंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। This is the relation between the set of students and the set of courses. Okay, here we have A and B. A is a student and B is a course which you are enrolled. Another example of a relation is, let A is a set of cities and B is a set of countries. तो डिफाइन रिलेशन आर बाय स्पेसिफाइंग दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इफ सिटी ए इज कैपिटल ऑफ बी। तो ए ऑल सिटीज हैं, बहुत सारे सिटीज हैं, और बी जो है सेट ऑफ कंट्रीज है। तो इनमें से हमने सिर्फ वो वाले रिलेशन जो है, वो वाले सिटीज और कंट्रीज जो हैं वो पिक किए हैं कि जो सिटी किसी कंट्री का कैपिटल है। एज एन एग्जाम्पल, रियाद इज अ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं, लेकिन हमने चूंकि ए क्रॉस बी जो है उसका सबसेट लेना था, तो सबसेट में हमने डिफाइन कर लिया कि हमने वो वाले उस ए क्रॉस बी में से पिक करने हैं एलिमेंट्स, कि जो सिटी और कंट्री जो है, सिटी कैपिटल है किसी कंट्री का। दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया का, वाशिंगटन जो है वो कैपिटल है यूएसए का, इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान का। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन इज, लेट ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी, आर इज इक्वल टू 0A, 0B, 1A और 2B। ए क्रॉस बी फाइंड किया गया था इसका, और उसमें से हमने एक रिलेशन छोटा सा डिफाइन किया है। ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट के हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, कि एलिमेंट कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो उसमें से 6 में से 4 एलिमेंट जो हैं वो पिक किए गए हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन। इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस मीन्स 0RA। 0RA मीन्स 0 का रिलेशन है विद ए। सिमिलरली 0 का यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0RB मीन्स 0 का रिलेशन है विद बी। 1RA मीन्स 1 का रिलेशन है विद ए। 2RB 2 का रिलेशन है विद बी, बट नॉट 1RB, क्योंकि इस रिलेशन में 1 का रिलेशन बी के साथ गिवन नहीं है। तो इस रिलेशन के लिए नॉट 1RB। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन ऑन अ सेट। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें ए की इटसेल्फ विद ए, तो उसका जो सबसेट होगा, जो उसके ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, वो कहलाएगा रिलेशन ऑन अ सेट, नॉट ए क्रॉस बी। ए और बी जो हैं वो डिफरेंट सेट नहीं होने चाहिए। ए और ए जो हैं वो दोनों इक्वल सेट्स होने चाहिए। अगर ए क्रॉस ए हम फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक सेट था जिसमें 0, 1, 2 था, तो 0, 1, 2 की क्रॉस प्रोडक्ट विद 0, 1, 2 ही, तो वो दैट इज ए क्रॉस ए। तो अगर मैं इसका भी सबसेट लेता हूँ, वो ए रिलेशन कहलाएगा, और ये रिलेशन कहलाएगा रिलेशन ऑन द सेट ए। एज एन एग्जाम्पल, that A is equal to 1, 2, 3, 4, which ordered pairs are in the relation R is equal to AB, where A divides B.
तो मेरे पास यहाँ पे ए सेट है 1 2 3, इसके ऊपर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे क्रॉस ए, तो उसका रिलेशन जो है उसमें से सबसेट मैंने लिया है। कौन सा सबसेट लिया है? उसमें ए बी एलिमेंट हैं, ए कहाँ से आता है और बी कहाँ से आता है, वो वाले एलिमेंट हैं कि ए डिवाइड्स बी, कि ए बी को डिवाइड कर रहा हो। ओके हो गया जी। तो ए बी को डिवाइड कर रहा होगा, तो वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इस रिलेशन में हैं, तो हमने फाइंड करना है कि वो कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो लेट्स सपोज कि ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट सेट है दैट इज 1 2 3 4, सेकंड सेट इज आल्सो 1 2 3 4। तो फर्स्ट सेट इज ए और सेकंड सेट इज बी। ओके हो गया जी। और बी जो है वो ए के इक्वल ही है, तो ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ए बी लिखना है। ए जो है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होना है और बी जो है वो सेकंड सेट का एलिमेंट होना है। ए सेट के वो वाले एलिमेंट हमने वो ए सेट और बी सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं कि ए सेट का जो एलिमेंट है, ये जो ए एलिमेंट है, ये डिवाइड कर रहा हो बी एलिमेंट को। तो यहाँ पे हमने देखा कि वन जो है वो वन को डिवाइड करता है, तो एक पेयर हमारे पास बन गया वन एंड वन। ठीक हो गया जी। फिर हमने देखा कि वन जो है वो टू को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सेकंड जो पेयर बना दैट इज टू वन एंड टू, वन एंड टू। फिर वन थ्री को भी डिवाइड करता है और वन फोर को भी डिवाइड करता है। यू नो कि वन जो है वो सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास आ गया वन थ्री और वन फोर। फिर हमने देखा कि टू किस किस एलिमेंट को डिवाइड करता है। टू टू को डिवाइड करेगा, टू फोर को डिवाइड करेगा, टू वन को डिवाइड नहीं करता, टू थ्री को डिवाइड नहीं करता। तो लिहाजा ये हमारे पास इस पेयर में, इस सेट में, इस रिलेशन में नहीं होगा टू वन और टू थ्री। टू टू होगा क्योंकि टू टू को डिवाइड करता है, टू फोर होगा क्योंकि टू फोर को भी डिवाइड करता है। फिर हमारे पास है थ्री, थ्री को डिवाइड करता है सिर्फ, थ्री टू को डिवाइड नहीं करेगा, थ्री वन को डिवाइड नहीं करता, थ्री फोर को डिवाइड नहीं करता, और फोर फोर को डिवाइड करेगा। फोर थ्री को भी डिवाइड नहीं करता, फोर टू को भी डिवाइड नहीं करता, फोर वन को भी डिवाइड नहीं करता। सो ये मेरे पास जो हैं वो पेयर्स हैं इस रिलेशन के, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, टू टू, टू फोर, और थ्री थ्री, और फोर एंड फोर। ओके ओके जी। नेक्स्ट है मेरे पास कंसीडर द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मेरे पास कुछ रिलेशंस हैं, आर वन, आर टू है, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स है। विच ऑफ दीज रिलेशंस कंटेन ईच ऑफ द पेयर्स, ये नीचे कुछ पेयर्स गिवन है, हमने बताना है कि ये पेयर्स किस किस, ये रिलेशंस किस किस पेयर को कंटेन करते हैं। मतलब ये जो वन वन है ये इन रिलेशंस में से किस किस में होगा, वन टू है ये कहाँ पे होगा, वन थ्री कहाँ पे होगा। सबसे पहले हम इस रिलेशंस को डिफाइन करते हैं कि ये रिलेशंस में एलिमेंट किस तरह से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। कंसीडर द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स आर वन। आर वन की पहले हम बात करते हैं, आर वन में किस तरह के एलिमेंट हैं। आर वन में एलिमेंट हैं ए बी, वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए और बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें है कि ए इक्वल टू बी हो और ए बी से लेस हो। मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो ये इक्वल एलिमेंट्स हैं, वन वन, टू टू, माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस टू, जीरो जीरो, माइनस टेन, माइनस टेन, वन हंड्रेड, वन हंड्रेड, 99, 99, तो ये इक्वल हैं। एक तो इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल एलिमेंट्स हैं, दोनों से एलिमेंट्स ए और बी सेम एलिमेंट्स हैं। दूसरा जो है वो ये है कि ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू जो है वो बी से लेस हो, वो कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने चंद एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ये चंद एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये सेट रिलेशन था सेट ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है। मैंने उनमें से चंद एग्जाम्पल लिखी सिर्फ आपको बताने के लिए। जैसे वन थ्री, इसमें वन लेस है और थ्री ग्रेटर है, जीरो टेन, जीरो लेस है, ए लेस है, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू टेन है, माइनस फोर जीरो, फोर वन हंड्रेड, फाइव हंड्रेड और 999। तो ये इस तरह के एलिमेंट इस रिलेशन में इनफाइनाइट पड़े हुए हैं। ओके हो गया जी। तो फिर इन
पॉइंट्स में से इन पेयर्स में से कौन से एलिमेंट्स होंगे, इन पेयर्स में से वो एलिमेंट होंगे जो कि सेम होंगे, और वो एलिमेंट वो पेयर इस रिलेशन में होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट लेस होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो ग्रेटर होगा। तो पी पेयर जो है वो इस रिलेशन में पड़ा होगा क्योंकि वो वन वन है, क्यू पेयर जो है वो भी पड़ा होगा क्योंकि उसमें वन लेस है और टू जो है वो ग्रेटर है, आर पेयर जो है वो इस रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि उसमें सेकंड एलिमेंट ग्रेटर है और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेस है, सेकंड एलिमेंट लेस है और फर्स्ट एलिमेंट सॉरी ग्रेटर है। और ये जो एस सेट है ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो है वो फर्स्ट सेट जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वन ग्रेटर है और माइनस वन लेस है। ठीक हो गया जी। यू जो है वो बड़ा होगा क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। तो जनाब ये पी क्यू और यू जो पेयर्स हैं ये आर वन रिलेशन में हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जी हम आर टू की बात करते हैं। आर टू एक रिलेशन है ए बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो लेस होगा। जैसे 10 है, 31 है, 199 है, -4 और -10 है एंड सो ऑन। फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर हो और सेकंड एलिमेंट जो है वो लेस हो। विच ऑफ दीज रिलेशंस कंटेन ईच ऑफ द पेयर्स, कौन सा पेयर जो है वो इसमें पड़ा होगा। तो इसमें सिर्फ आर रिलेशन जो है वो पड़ा होगा और इसमें जो है वो एस रिलेशन जो है वो भी पड़ा होगा क्योंकि इसमें भी वन जो है वो ग्रेटर है और माइनस वन जो है वो लेस है। तो दो पेयर्स जो हैं वन वन और क्यू जो है वो नहीं होगा, यू जो है वो इस रिलेशन में नहीं होगा। तो इस रिलेशन में है आर एंड एस, ओनली आर एंड एस। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास रिलेशन है आर थ्री इज इक्वल टू ए बी वेयर ए इज इक्वल टू बी एंड आर ए इज इक्वल टू माइनस बी। ए जो है वो बी की इक्वल हो या ए जो है वो माइनस बी की इक्वल हो। तो वन वन इसमें जो है एक तो एलिमेंट्स सेम होंगे, एक तो एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। दूसरा जो है वो एलिमेंट ए इक्वल टू माइनस बी, इसका क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव, या होंगे सेम इक्वल मतलब एल वन और वन लेकिन अप विद अपोजिट साइन, वन और माइनस वन, टू और माइनस टू, थ्री और माइनस थ्री, माइनस वन और वन, माइनस टू और टू, जीरो जीरो। ठीक हो गया नहीं। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ए इक्वल टू माइनस बी मीन्स के एलिमेंट्स का नंबर डिजिट सेम है बट विद अपोजिट साइन, और ए इक्वल टू बी मीन्स सेम एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे पास जो रिलेशंस हैं कौन कौन सा होगा, इसमें पी होगा जो सेम है और एस होगा जिसमें विद अपोजिट साइन है और यू होगा। तो तीन पेयर्स हैं इसमें पड़े हुए, कौन कौन सा पी एस एंड यू। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास रिलेशन है आर फोर इज इक्वल टू ए बी वेयर ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी, इसमें सिर्फ सेम एलिमेंट्स हैं और इसमें सेम एलिमेंट्स हैं तो ए इज इक्वल टू बी वाले जिसमें ए और बी जो है वो दोनों सेम हो। तो वन वन, टू टू, थ्री और थ्री, माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू और माइनस टू और जीरो जीरो, ये एलिमेंट्स इसमें पड़े होंगे। ठीक हो गया जी। तो पेयर कौन कौन सा होगा, इसमें पी एंड यू पेयर पड़ा होगा। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है आर फाइव, आर फाइव है ए बी वेयर ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ए एलिमेंट से एक नंबर वन माइनस करता हूँ तो मुझे बी मिलता है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्री, थ्री अगर ए की वैल्यू है तो बी की वैल्यू क्या होगी टू। कैसे बनेगा बी, थ्री में से एक को माइनस करके। जैसे अगर ए की वैल्यू जो है वो टेन है तो बी की वैल्यू नाइन होगी, अगर ए की वैल्यू 111 है तो बी की वैल्यू 110 होगी, अगर ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो में से माइनस वन करूँगा तो माइनस वन आ जाएगा, अगर ए की वैल्यू जो है वो माइनस फोर है तो बी की वैल्यू माइनस फाइव होगी। मतलब बी की वैल्यू ए से वन डिजिट लेस होगी। ओके तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन सा पेयर जो है वो इसमें पड़ा होगा। पी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सेम है, क्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए लेस है और बी ग्रेटर है, आर इसमें पड़ा होगा क्योंकि इसमें टू में से वन को माइनस करते हैं तो क्या आता है वन आता है। तो इसमें सिर्फ जो है वो एक रिलेशन होगा आर ही, एक पेयर होगा आर ही जो कि इस रिलेशन में पड़ा होगा। नेक्स्ट जी आर सिक्स है, आर सिक्स जो है उसमें किस तरह के मेरे पास जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ए बी है वेयर ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू थ्री है, कि जब मैं ए प्लस बी करता हूँ तो उसका आंसर थ्री या थ्री से लेस आए। जैसे वन टू है, वन टू में जब वन प्लस टू करता हूँ तो इसका आंसर थ्री आता है, जैसे टू वन है, टू प्लस वन करूँगा तो थ्री आएगा, जैसे थ्री जीरो है, थ्री प्लस जीरो करूँगा तो थ्री आएगा, जैसे जीरो वन है, जीरो प्लस वन वन, वो थ्री से लेस है, माइनस वन
थ्री माइनस टू, तो ऐसे सारे पेयर्स इसमें पड़े हुए हैं रिलेशन में कि जब मैं उनको ऐड करूँ तो उनका आंसर जो है, उन पेयर्स को फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को अगर ऐड करूँ तो उनका आंसर जो है वो थ्री या थ्री से लेस है। ओके ओके जी, तो इसमें फिर कौन कौन सा होगा, पी पेयर जो है इसको अगर आप ऐड करें तो वन प्लस वन टू, तो ये इस रिलेशन में होगा। क्यू पेयर को ऐड करें वन प्लस टू, ये थ्री आता है, ये भी इस पेयर में होगा। आर रिलेशन को ऐड करें टू वन, टू प्लस वन, तो ये भी थ्री आता है, ये भी इसमें होगा। वन प्लस माइनस वन जीरो आएगा, ये भी इस रिलेशन में होगा। यू जो है वो इस रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि टू प्लस टू जो है वो फोर आता है जो कि थ्री से ग्रेटर है। क्योंकि जी तो इस रिलेशन में जो है वो मेरे पास ये पी क्यू आर और एच एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो ये था जी हमारे पास रिलेशन, और उसमें के रिलेटेड हमने चंद एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखी के रिलेशन को हम किस तरह से जो है वो डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे कि ये रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।